हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड वेलकम बैक माय चैनल अश्वनी। गुड इवनिंग आप सबको, मेरे नमस्ते। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और मैं माता रानी से प्रे करूंगी कि आप लोग हमेशा अच्छे रहो। तो अभी शाम के टाइम नहीं हो रहे हैं, अभी हम लोगों के यहाँ खाना का टाइम होने जा रहा है। तो खाना का टाइम होने जा रहा है और पड़ी अभी नानी घर से आए, और नानी घर से वो क्या क्या लेके आई है वो हम आपको दिखाते हैं। उसको मार्केट लेके गया जाया गया था, मतलब मामा लेके गए थे मार्केट। तो मार्केट में जाके अब ड्रेस लेके आई है, बहुत सारी चीज़ें लेके आई है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये लड़की क्या क्या लेके आई है अभी नानी के घर से, दिखाओ क्या क्या लेके आई है। चॉकलेट और माजा और आइसक्रीम और ड्रेस पहनी है वो। और सबसे बड़ा बात ये, इसको मार्केट लेके गई थी और मामा को बोलती है अब हमको ड्रेस चाहिए। तो अभी ये ड्रेस लेके आई है, ये टॉप, टॉप के साथ पटियाला है। पटियाला क्या किरे एकदम साथ खोल दी, मतलब इसको मार्केट ले जाने का मतलब है एक ड्रेस चाहिए ना। ऐसे में तुमको नानी घर नहीं बुलाया जाएगा, पता है तुमको पता है तुमको बेटू, नहीं सुन रही है तुम। ओए तो तुम ही सिर्फ खाओगे, बुलबुल दीदी से काहे झगड़ा कर रही हो। खा जा बुलबुल, सब खा जा। तुम्हारा नानी घर से आया तो बुलबुल का दादी घर से आया है, समझी रे बेटू। ओए दिखा दिया रे, जल्दी फिनिश करो तो गल जाएगा, पूरा पिघल जाएगा। और अभी हमारे यहाँ खाना का टाइम हुआ है, तो अभी हमारे खाना का टाइम हुआ है पर हमारे ये खाना बना ही नहीं। जब खाना बना नहीं है तो आप लोग सोच होंगे हम लोग खाना क्या खाएंगे, क्या आज हम लोगों का फास्टिंग है। आज तो मतलब कोई ऐसा डे भी नहीं है, कोई फर्स्ट मतलब कोई फेस्टिवल भी नहीं है, कोई व्रत कुछ ऐसा है नहीं जो कि हम लोग फास्टिंग करेंगे। तो एक्चुअली बात ये है ना कि आज हम लोगों को खाना बनाने से छुट्टी मिला, क्योंकि रेस्टोरेंट का खाना तो नहीं पर रेस्टोरेंट जैसा खाना हम लोगों को आज मिलेगा खाने को। तो ये खाना कहाँ से आया है, किसने भेजा है और किसने बनाया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी और चखा तो नहीं सकती, चख मैं खुद चख के बताऊंगी। तो और क्या आया है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। और आज का मतलब रात का खाना हम लोगों का वही होने वाला है। देखिए इसकी शकल, देखिए पास से इसकी शकल देखिए, ये क्या करके आई है अंदर से। अरे तुमको मम्मा आएगी पिटी लगाएगी। देखिए भाभी इसका देखिए फेस क्या करके आई है। अच्छा थोड़ा सा लगने तुम बटे पे डांस करो, लिपस्टिक लगाई है ना, जल्दी सा बेटू। लंदन थुपकता हमको नहीं लगाना, तुम ही लगाओ। नहीं अभी तुम मम्मी से पिट्टी खाएगी, हम नहीं बचाने वाले हैं। देखिए लिपस्टिक लगा के हमको भी लगा रही लिपस्टिक, नहीं हमें नहीं लगाना, अभी पिट्टी खाएगी तुम, कोई नहीं बचाने वाला है तुमको। चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि है क्या। बुलबुल निकालना थोड़ा सा, पूरा निकालो ना ठीक से, देखिए क्या है। हटा बुलबुल,
ये देखिए, तो देखिए हमारे आज हम लोगों को खाना के लिए क्या आया है। तो ये है बिरयानी। क्या है? बिलानी। आज के खाने में हम लोगों के लिए आया है रेस्टोरेंट जैसा खाना, बिरयानी। और तो ये कहाँ से आया? तो ये भाभी के घर से आया और ये बना के भेजा है भाभी का भाई ने। तो हम लोगों के लिए स्पेशल वो बिरयानी बना के भेजा है आज, क्योंकि वो बहुत टाइम से बोला था ना कि मतलब वो अपने हाथों का बिरयानी खिलाएगा। तो इसीलिए आज वो लेके आए थे बिरयानी, और बिरयानी के साथ रायता भी लेके आए हैं। तो रायता तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ बिरयानी खाऊंगी, कि रायता नहीं खा सकती इसलिए। और तो ये बिरयानी टेस्ट करने के बाद बताएंगे कि कितनी टेस्टी है। वैसे देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग ही रहा है। तो ये बिरयानी भाभी का, मतलब भाभी को तो 3 भाई है, तो सबसे छोटा वाला भाई उसने ही ये बिरयानी बनाए हैं। तो देखते हैं वो, मतलब बिरयानी जो बनाए हैं किस ढंग में बनाए हैं। कहीं वो अपने जैसे बिरयानी तो एकदम तीखी तीखी नहीं बना दिए हैं। तो चलिए टेस्ट करने के बाद हम लोगों को पता चलेगा कि बिरयानी कैसा बना है। तो हम लोग टेस्ट करके जरूर बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए अब हम लोगों का खाना निकल रहा है। बेटे तुमको भी खाना है? वैसे नहीं बेटा, रुको ना, निकाल देगी। ऐसा नहीं भाई, तो टूट जाएगा। तो निकालो ना, कोई बात नहीं, क्या हो गया? एक दो तीन चार, 4 प्लेट में निकल रहा है खाना। एक प्लेट में डबल डबल है, और एक है राजा के लिए, एक है मिट्टू के लिए। और परी आपके लिए नहीं, क्यों? आप अंडा खा लेना। अच्छा, अंडा नहीं खाना है? क्यों? दाल भात कहाँ से लाएगा बेटा? तो चलिए अब हम लोग खाना खा लेते हैं। देखिए इधर भाभी बुलबुल और ये लोग का भी निकला हुआ है, पता नहीं कहाँ है, ये लोग अभी आया नहीं है। बेटू बैठी हुई है। तो चलिए अब हम लोग खाते हैं। खाए भाभी, टेस्ट बताइए कैसा बना। अच्छा बना, कैसा बना? तो सभी ने खाया, बहुत ही अच्छा बना। अब हम भी देख लेते हैं, सच में वाकई बहुत अच्छा बना। कैसा बना बेटू? अच्छा। तो चलिए हम लोग खाते हैं, क्योंकि टेस्ट तो बता ही दिए, बहुत ही अच्छा बना, बहुत ही टेस्टी। हाँ राज, तो हम लोगों का खाना हो गया रेस्टोरेंट जैसा बिरयानी, सच में खाने को मिला है आज, वो भी भाभी के भाई के हाथों का। तो सच में बिरयानी काफ़ी टेस्टी था। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो उनको तो पता चल गया होगा कि बिरयानी सच में टेस्टी था। वैसे तो वो मतलब खाए ही होंगे घर पे, तो उसको भी पता चल गया होगा कि हाँ, मतलब उसने बिरयानी अच्छा बनाया। लेकिन कहते हैं ना, खुद की तारीफ़ें खुद के लिए नहीं होती है, जब तक तारीफ़ें दूसरे के हाथों, मतलब दूसरे के द्वारा ना मिले। तो चलिए हम लोगों की तरफ से आपका बिरयानी एकदम परफेक्ट बनाया है, और अब हम लोगों ने खा लिया। अब खा पी के चले हम लोग सोने के लिए। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आए और बिरयानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर जितनी ज़्यादा हो सके उतनी कीजिएगा। और आप में से जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ऐसी वीडियो आप लोगों के बीच शेयर करती रहूं, और उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए, आप लोग हमारे वीडियो का आनंद लेते रहें। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।